और गढ़वा में प्रोफेसर सत्य प्रकाश चौधरी के घर में उस वक्त दहशत फैल गई जब घर में लोगों ने एक खतरनाक अजगर सांप देखा। दरअसल लोग पूजा अर्चना में घूमने की तैयारी कर रहे थे, इसकी दौरान उनकी नजर गेट के लिपटे अजगर पर पड़ी, जिसके बाद जानकारी वन विभाग को दी गई। विभाग की टीम ने आकर सांप को रेस्क्यू किया। तो अजगर मिला है घर से, बता देंगे इतना बड़ा अजगर घर में छिपा हुआ था। लोग पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे थे और बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके होश उड़ गए जब उन्होंने घर में अपने दरवाजे पर इतना बड़ा अजगर देखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बताया गया और वन विभाग की टीम ने आके अजगर को रेस्क्यू किया है। लेकिन इतना बड़ा अजगर कहाँ से कैसे आया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन घर वालों के होश उड़ गए क्योंकि वो पूजा अर्चना के लिए बाहर जाने की, पंडालों में जाने की तैयारियाँ कर रहे थे, लेकिन घर में इतना बड़ा अजगर छिपा हुआ था। लेकिन वो तो सही टाइम पर जंगल विभाग की जो फॉरेस्ट टीम है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने अजगर को रेस्क्यू किया। तो वन विभाग की टीम जो है अजगर को ले गई है और बता दें कि एक बड़ा ये घर में छिपा हुआ था अजगर और सभी लोग पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे थे, बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने दरवाजे पर ये इतना बड़ा अजगर देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने उसको जंगल विभाग की टीम को, वन विभाग की टीम को फोन किया और वो अजगर को ले गए। गढ़वा से आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बताएं कि एक अजगर पाया गया है और उसको रेस्क्यू भी कर लिया गया। देखिए नवाब जी, हम लोग कल देर शाम तैयारी कर ही रहे थे पूजा पंडाल घूमने का, इतने में ही प्रोफेसर को, जो प्रोफेसर साहब है चौधरी जी, उनको घर के ऊपर रेलिंग पर आप देख रहे होंगे दिखता है अजगर। एकाएक परिवार सत्ते में आ जाता है, लोग हल्ला करना चाहते हैं घर के, जो उनको फैमिली मेंबर थे वो हल्ला करना, पड़ोसी को खबर होती है, पड़ोसी भी आते हैं, तो कुछ लोगों द्वारा वन विभाग खबर भी जाती है, कुछ लोगों द्वारा जो स्टेशन के परिसर के आसपास जो मुसहर परिवार रहा करता है उनको खबर मिल जाती है। तो आप जानते ही, सरकारी कार्यालय के कर्मी चाहे रेस्क्यू करने वाले हों या बचाने वाले आने में देर उनको होती ही है। इतने मुसहर के दो परिवार के लोग पहुंचते हैं, उन्हीं के द्वारा अजगर को रेस्क्यू किया जाता है। आप जैसे देख रहे होंगे विजुअल में कि उनके द्वारा अजगर को निकाला जा रहा है, इस तरह से परिवार को बताया जा सका। अगर आप सोच सकते हैं, अगर परिवार नहीं देखा होता, अगर कहीं घर में घुस गया होता और लोग नहीं देख पाते, चले जाते हैं बाद में जब वो आते, तो किसी न किसी तरह से खतरा हो सकता था, इसकी संभावना जताई जा रही थी। लेकिन उनकी नजर पड़ी, उसको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद वन विभाग की टीम देर रात जब पहुंची तब उसे ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। अनुमति, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष।